मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आज की इंजील मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसका 12वां बाब 38 से 42वीं आयत तक बयान। तब फकीहों और फरीसियों में से बाज उससे मुखातिब होकर कहने लगे कि ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने उनसे जवाब में कहा कि ये बुरी और हरामकार पुश्त निशान तलब करती है, और यूनस नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उसे ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूनस 3 रात 3 मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने इंसान 3 रात 3 तह जमीन में रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस पुश्त के साथ खड़े होकर उसे मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनस की मुनादी पर तवज्जो कर ली, और देखो यहां वो है जो यूनस से बढ़कर है। जनूब की मलका अदालत के दिन इस पुश्त के साथ खड़ी होकर उसे मुजरम ठहराएगी, क्योंकि वो जमीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहां सुलेमान से बढ़कर है। अंजिले मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं, ऐ मसीह तेरी सिताइश हो, आमीन। खुदा बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजो, मैं बाबू सलीम सैमुएल आपसे बात कर रहा हूं। मेरा ताल्लुक अरूजे मरियम पैरिश फैसलाबाद डायसिस से है, और मैं पिछले 24 साल से बतौर बाबूजी डायसिस में खिदमात सरंजाम देता हूँ। मैं सिस्टर जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने इस चैनल के लिए आज की रिफ्लेक्शन देने के लिए मुझे दावत दी। आज की पहली तलावत मीका नबी की किताब और उसके 6वें बाब में से ली गई है, और इस तलावत में हमें ये सिखाया गया है, हमें ये बताया गया है कि इंसान को अपने ज़िंदगी में क्या करने की ज़रूरत है। इस तलावत में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद खुदा कैसे इंसान से खुश हो सकता है और इंसान को क्या करने का हुक्म देता है। इसकी जो सुनहरी आयत है इसमें लिखा है, ऐ इंसान तुझे दिखाया गया है कि खुदावन तुझसे क्या तलब करता है। इस आयत को हम तफसीलन पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ऐ इंसान तुझे दिखाया गया है कि नेकी किस बात में है। तो इंसान जो कि इस दुनिया में रहता है वो बाज़ुकात नेक काम करता है और बाज़ुकात ऐसे काम करता है जिससे खुदा नाखुश होता है या इंसानों को नुकसान पहुंचता है। हम इंसानों के ख़िलाफ़ जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं, माली तौर पर इंसान इंसान को नुकसान पहुंचाता है, या किसी का हक मार लेता है, या किसी को ज़हनी तौर पर टॉर्चर करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है। तो जो काम हम खुदा की हमदोसना के लिए करते हैं, खुदा की तारीफ़ के लिए करते हैं और खुदा के दिए हुए पाक अहकामात के मुताबिक करते हैं, उन कामों को नेकी का नाम दिया जाता है, और जिन कामों से हम खुदा के ख़िलाफ़ जाते हैं, खुदा की बजाय किसी और की इंसान परस्तश करता है या खुदा के बनाए हुए निज़ाम में खलल अंदाजी डालता है या इंसानों के ख़िलाफ़ काम करता है, तो ऐसे बातों को और ऐसे कामों को बदी से बुराई से ताबीर किया जाता है। तो खुदावंद खुदा इंसान से कैसे खुश हो सकता है, या कैसे कौन सी बात है जो खुदा को खुश कर सकती है? तो इस तलावत में हमें बताया गया कि नेकी किस बात में है और खुदावंत इससे क्या तलब करता है।
तीन बातें बताई गई हैं कि तू अदल को अमल में लाए। तो अदल व इंसाफ मुआशरे का बुनियादी स्तून है, मुआशरा इसके बगैर कायम नहीं रह सकता। मुआशरे के लोग, सोसाइटी के लोग एक दूसरे से खुश नहीं रह सकते अगर अदल और इंसाफ से काम ना लिया जाए। हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोगों का हक मारकर, दूसरे लोगों पर जुल्म व सितम करके तो अपनी आमदनी को बढ़ा लेते हैं, दूसरों के हिस्से पर नज़रें गाड़कर उसे भी अपने हिस्से में ले आते हैं, या दूसरों की मजदूरी को मारकर खुद से अमीर हो जाते हैं, दौलतमंद हो जाते हैं। तो जो दुनिया के दौलतमंद हैं आम तौर पर फिर वो इंसाफ से काम नहीं लेते, बल्कि मजदूर तबके का इस्तेहसाल करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। मजदूर की पूरी मजदूरी उन्हें नहीं मिलती और मजदूर का हक उन्हें पूरा नहीं दिया जाता, उनसे काम ज्यादा लिया जाता है और उनकी मजदूरी उन्हें कम दी जाती है। तो इस तरह फिर इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी इस मुआशरे में होती है, जबकि खुदा चाहता है कि इंसान अदल को अमल में लाए, यानी इंसाफ करे। अगर हमने किसी से 100 रुपए का काम करवाया है तो चाहिए कि हम उसे 100 रुपया अदा करें। ये नहीं है कि काम तो हमने उससे 100 रुपए का करवाया, मेहनत उसने 100 रुपए के लिए की है, मजदूरी उसने 100 रुपए के लिए की है और हम बाद में उसे 100 की बजाय कम मजदूरी अदा करें, तो इससे मुआशरे में नाइंसाफी जन्म लेती है और मुआशरे में नाहमवारी आ जाती है, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और उमरा तबका है जो गरीब गुरबा लोगों पर जुल्म व सितम करता है। तो खुदा हमें हुक्म देता है कि हम अदल को अमल में लाएं। दूसरी बात बयान की गई है, तू रहम दिली को अजीज जाने। तो जो बड़े लोग हैं वो जुल्म व सितम भी करते हैं, तो खुदा चाहता है कि हम गरीबों पर, कमजोर लोगों पर, ख्वाब माली तौर पर कमजोर हैं, ख्वाब स्टेटस के लिहाज से कमजोर हैं और ख्वाब जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, तो हम कमजोर और गरीब लोगों का हमेशा ख्याल रखें और जो अमीर लोग हैं, दौलतमंद लोग हैं, इक्तदार में लोग हैं, इख्तियार वाले लोग हैं, वो इन लोगों का हमेशा ख्याल रखें और अगर उनसे कोई गलती सरजद हो भी जाती है तो फिर रहम दिली के साथ, रहम के साथ, कर्म के साथ उनके साथ सलूक किया जाए और अच्छा सलूक किया जाए। और फिर तीसरी बात बयान की गई है, और खुदा के हजूर फरौतनी से चले। तो जितना बड़ा किसी इंसान के पास इख्तियार होता है, जितना बड़ा उसे ओहदा मिल जाता है, जितनी ज्यादा दौलत किसी इंसान को मिल जाती है, जितना ज्यादा वो अमीर हो जाता है, जैसे जैसे उसकी जायदाद बढ़ती है, उसके उसके पास दुनिया के वसाइल बढ़ जाते हैं, तो फिर इंसान को वैसे वैसे चाहिए कि वो अजमत में भी बढ़ता जाए, फरौतनी में बढ़ता जाए, इनकसारी में बढ़ता जाए, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं हलीम और दिल का फरौतन हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह चूँकि हमारे लीडर हैं, हमारे रूहानी चौपान हैं, तो जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा और जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया, वो सब कुछ हमें कहने की भी ज़रूरत है और हमें करने की भी ज़रूरत है। यीशु मसीह ने हमें ऐसी तालीम नहीं दी जिस पर खुद से अमल ना किया हो, बल्कि उन्होंने हमें फरौतन बनकर दिखाया और हमें भी वो हुक्म देते हैं कि हम भी उसकी तरह फरौतन बनने की कोशिश करें। आमीन। आज की इंजील मुकदस मत्ती की इंजील में से है, उसके 12वें बाब की 38वीं आयत से 42वीं आयत तक। इस अंजील में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह से फकीयों और फरीसियों ने सवालात किए और खुदावंद यीशु मसीह से निशान तलब किया और निशान देखना चाहते हैं
वो चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसे अजीबो गरीब काम करें, ऐसे निशानात दिखाएं, ऐसे करिश्मे दिखाएं, ऐसे मौजजात करें जिनकी वजह से उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के नबी होने का यकीन आ जाए, जिनके जिनको देखकर वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा तस्लीम कर लें, उन निशानात को देखकर वो खुदावंद यीशु मसीह को आने वाला मसीहा तस्लीम कर लें। तो खुदावंद यीशु मसीह ऐसे बेयकीन लोगों को या जो खुदा का लबादा ओढ़े हुए हैं लेकिन खुदा के लोग नहीं हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनको निशानात के जरिए से यकीन दिलाना नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने दो जो पुराने अहदनामे में निशानात पाए जाते हैं उन्हीं की बात खुदावंद यीशु मसीह करते हैं। उन्होंने कहा कि यूनस नबी के निशान के सिवा और निशान ना दिया जाएगा। तो यूनस नबी 3 दिन रात मछली के पेट में रहे और खुदावंद खुदा ने उन्हें दोबारा से नई जिंदगी अता की, और ये बहुत बड़ा निशान है कि खुदा जो कुछ चाहे कर सकता है, खुदा हर एक काम में कादर है और खुदा नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। तो यीशु मसीह ने यही मिसाल उन्हें दी है कि इब्ने इंसान भी 3 रात दिन तक तहे जमीन में रहेगा, और खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत के बाद जब दफनाए गए तो 3 दिन रात वो भी जमीन में रहे, और उन्होंने आलम असफल में जाकर मुकदस पतरस के पहले खात और 3 बाग के मुताबिक उन्होंने आलम असफल में जाकर कैदी रूह में मनादी की और उन्हें बताया कि खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र, मौत और शैतान पर फतह पाई है। और यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि नैनवा के लोग आखिरी दिन जब यौम हिसाबो किताब होगा, जब यौम आखरत होगा, रोज़े क़यामत होगा, तो जो नैनवा के लोग हैं वो इस पुश्त के साथ खड़े होकर इन्हें मुजरम ठहराएंगे, क्योंकि इस पुश्त के लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदा तस्लीम नहीं करते और खुदावंद यीशु मसीह को अपना मसीहा नहीं मानते। उन लोगों ने यूनस नबी की मनादी को कबूल किया और मनादी को सुनकर उन्होंने तौबा कर ली और उनकी ज़िंदगी बच गई, जबकि ये लोग खुदावंद यीशु मसीह को तस्लीम नहीं करते और उसे अपने मसीहा नहीं मानते, हालांकि खुदावंद यीशु मसीह तो यूनस नबी से बहुत बड़े नबी हैं, बल्कि खुदा के बेटे हैं। दूसरी मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने सबा की मलका की मिसाल दी है कि वो सुलेमान का जिक्र सुनकर, सुलेमान बादशाह की हिकमत के मुतल्लिक जानकर बादशाह को देखने के लिए आई, ताकि वो देखे कि सुलेमान बादशाह ने अपनी कौम की बेहतरी के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए कौन से बड़े बड़े मनसूबे सर अंजाम दिए हैं और कैसे वो अपनी कौम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और वो उसको देखने के लिए आई और उसने उसकी तारीफ की। उसी तरह यीशु मसीह कहते हैं कि यहां तो वो है जो सुलेमान से बढ़कर है। तो अजीजो, खुदावंद यीशु मसीह तमाम नबियों के सरदार हैं, वो तमाम नबियों से बढ़कर हैं, और दूसरे तमाम नबियों में जो खूबियां थीं वो खुदावंद यीशु मसीह में सारी की सारी खूबियां, सारी की सारी सिफतें पाई जाती हैं। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को हमेशा मानना चाहिए और कबूल करना चाहिए कि हम उन फकीरों और फरीसियों की तरह खुदा से निशान तलब करने वाले ना बने। आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मौजज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो करिश्मात की बात करते हैं, जो हमेशा निशानात तलब करते हैं, जो हमेशा कैथलिक चर्च की कह लें कि कैथलिक चर्च से मुतल्लक नारवा बातें करते हैं, उनकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि कहते हैं जी कि फलां जगह पर मौजजात होते हैं, हम इसलिए वहां पर इबादत करने के लिए जाते हैं, फलां जगह पर करिश्मात देखने को मिलते हैं, इसलिए हम वहां पर जाते हैं।
तो खुदावंद यसु मसीह ने ऐसे लोगों की नफी की है। हम खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाए हैं और जो कुछ खुदावंद यसु मसीह ने फरमाया हम उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। आज का जो जबूर है उसमें यह बताया गया है कि इंसान को तरबियत की ज़रूरत है और हम हमेशा खुदावंद यसु मसीह के ज़रिए और खुदावंद यसु मसीह के मुकर्रर करदा मजहबी रहनुमाओं के ज़रिए, मुनादों के ज़रिए, काहनों के ज़रिए, बिशप साहबान के ज़रिए और पापा आज़म के ज़रिए खुदा से तरबियत पाते हैं और इस तरबियत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जो मसीही ईमान हमने अपने माँ बाप से हासिल किया, हमने अपने मजहबी रहनुमाओं से हासिल किया, हमने खुदा के पाक कलाम को पढ़कर हासिल किया, हमने सैक्रामेंट्स की तालीम के ज़रिए हासिल किया और सैक्रामेंट्स को हासिल करके हमने ये मसीही तालीम हासिल की है, तरबियत हासिल की है और हम इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आइए इस मसीही ईमान को हमेशा अपने अंदर ज़िंदा रखें, इस मसीही ईमान का प्रचार करें और कैथोलिक मसीही ईमान पूरी दुनिया में और ज़्यादा फैलता जाए मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन।